राजधानी दिल्ली के लाडो सराय में शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 20 सड़क पर 22 साल की एक मासूम लड़की खून से सनी हालत में मिली। इलाके में सनसनी तो तब फैल गई जब खबर लगी कि एक तरफा प्यार से एक मनचले युवक ने उस लड़की पर एक के बाद एक चाकू से 13 बार वार किए। वो हैवान उस मासूम पर तब तक हमला करता रहा जब तक लड़की 20 सड़क पर ही अधमरी नहीं हो गई। वारदात के वक्त उस मासूम को शायद इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि घर जाने के लिए वो जिस कैब में बैठी थी उसी कैब में उसका सरफिरा आशिक घात लगाए बैठा था। चाकू से हमले के बाद लड़की को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर घटना के बाद कैब ड्राइवर ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर सरफिरे आशिक को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू जब्त कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी की कुंडली खंगाली तो पता लगा कि वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो वो मासूम गुरुवार सुबह 6:30 बजे एक निजी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसकी आरोपित से मुलाकात हुई और आरोपित से पीड़िता ने कुछ बातचीत भी की। इसके बाद पीड़िता अपने पहले से बुक की गई कैब में बैठने लगी तो आरोपित ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए।